तो राइट रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है, राइट रॉन्ग सॉरी गुड बैड हाईएस्ट गुड और वांट टू डिजायर हो गया आपका। आज की हेडिंग पहले डालिएगा आप यहाँ पर, अब राइट और रॉन्ग यानी कि उचित और अनुचित क्या होता है। हेडिंग डालिएगा राइट एंड रॉन्ग, उचित और अनुचित। इसमें लिखेगा जब कोई कर्म मानदंडों के अनुरूप संपादित किया जा रहा हो, तो वह कर्म उचित कहलाता है यानी राइट कहलाता है। जब कोई कर्म मानदंडों के अनुरूप संपादित किया जा रहा हो तो वह कर्म उचित कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक सिविल सेवा में, मतलब एक आईएएस आया आईपीएस ऑफिसर हैं आप, ठीक है, एज ए आईएएस ऑफिसर आप आईपीएस ऑफिसर के कार्यों का या सिविल सेवा के कार्यों का पारदर्शिता होना ज़रूरी है कि आपके द्वारा किए जाए कौन से कार्य किए जा रहे हैं, और वो मान लीजिए कोई शासन की पॉलिसी लाई गई, उस पॉलिसी को आपको प्रशासनिक रूप से अप्लाइड करना है, उसको पूरा करना है, तो आपका कार्य कहाँ पर है, कितने समय में पूरा होना है, उसके लिए क्या गतिविधियाँ की हैं, किसको टेंडर दिया गया है, उन सारी चीज़ों की पारदर्शिता होना आवश्यक है। अगर ऐसा है तो उचित है, लेकिन अगर आप सिविल सेवा के रूप में आप उन सारे कार्यों को पारदर्शिता यानी गोपनीय तरीके से संचालित करते हैं तो ये नैतिक रूप से क्या है, अनुचित है। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से देखें, आप एक आईएएस ऑफिसर थे आईपीएस ऑफिसर थे तो आपके कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए, वो उचित है। लेकिन वहीं एक अगर आप एक रॉ ऑफिसर हैं यानी खुफिया विभाग के ऑफिसर हैं तो आपके कार्यों में गोपनीयता होना आवश्यक है, वहाँ पर पारदर्शिता होना अनुचित हो जाए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो देश की सुरक्षा व्यवस्था को आपको मजबूत करने के लिए कह रहे हैं। जो भी आपकी खुफिया जानकारी है, आपको अपनी खुफिया जानकारी हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो दोनों ही काम है, एक जगह पारदर्शिता होना आवश्यक है, दूसरा पारदर्शिता नहीं होना उचित है, तो दोनों ही चीज़ें हैं आपकी। तो राइट अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, अलग अलग जॉब या व्यवसाय के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण इसको नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा यदि आप वर्तमान में सिविल सेवक के रूप में पारदर्शिता एक मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है, मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है, परंतु सिविल सेवक यदि भारत की गोपनीयता के आधार पर यदि सिविल सेवक भारत की यदि सॉरी यदि सिविल सेवक आज भी गोपनीयता के आधार पर कार्य संपन्न करता है तो यह मानदंडों के विपरीत माना जाएगा और वह कार्य अनुचित कहलाएगा। लेकिन यदि आप एक रॉ ऑफिसर हैं तो आपके लिए गोपनीयता को एक मानदंड निर्धारित किया गया है, आपके लिए गोपनीयता को एक मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है, और इसके अनुरूप
आपके द्वारा किया गया कार्य और इसके अनुरूप आपके द्वारा किया गया कार्य उचित कहलाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस प्रकार उचित व अनुचित का निर्धारण, इस प्रकार उचित और अनुचित का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि, इस बात पर निर्भर करता है कि सामाजिक मानदंडों का स्वरूप कैसा है, सामाजिक मानदंडों का स्वरूप कैसा है। अतः समय, परिस्थिति, सामाजिक मानदंडों का स्वरूप कैसा है, अतः समय, परिस्थिति, राष्ट्र के अनुसार उचित और अनुचित की परिभाषा, उचित और अनुचित की परिभाषा बदलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उचित अनुचित। नेक्स्ट है आपका कर्तव्य और दायित्व। हेडिंग डालिएगा ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, कर्तव्य और दायित्व। ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, कर्तव्य और दायित्व। ठीक है, तो कर्तव्य और दायित्व में क्या अंतर है? कर्तव्य जब आप पर कोई बाह्य दबाव ना हो, यानी जब किसी कार्य को करने के लिए आप आत्मिक रूप से संतुष्ट हैं, आत्मिक रूप से करना चाहें, तो वो आपका कर्तव्य है। और दायित्व तो क्या है? जब आप किसी कार्य को करने के लिए बाह्य रूप से आप पर दबाव पड़ता हो, ठीक है, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, सामाजिक दबाव आप महसूस करते हैं कि आपका ये दायित्व तो है कि आप माता पिता की सेवा करें। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा किसी भी कर्म को करने का आत्मिक एहसास, जी, किसी भी कर्म को करने का आत्मिक एहसास या निर्देश जिस पर कोई भी नैतिक दबाव या भौतिक दबाव नहीं होता है, व्यक्ति स्वेच्छा से उस कार्य को संपन्न करता है। कर्तव्य कहलाता है। ठीक इसके विपरीत जब व्यक्ति पर कर्म करने का बाह्य दबाव होता है, जहां व्यक्ति आत्मिक निर्देश प्राप्त करने में संभवतः सक्षम ना हो, तो वह दायित्व कहलाता है, ऑब्लिगेशन। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, व्यापक रूप से इसे समझा जाए तो ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व का संबंध प्रायः
का संबंध प्रायः कानूनी होता है, जिसे शासन की शब्दावली में कानूनी होता है जिसे शासन की शब्दावली में उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। कानून की शब्दावली में उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं जवाबदेहिता यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसे उत्तरदायित्व जवाबदेहिता के नाम से आप बेसिकली आपके दायित्व जो होता है दोनों को जाना जाता है। वहीं जवाबदेहिता को रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कर्तव्य अंतरात्मा की आवाज़ है, परंतु उत्तरदायित्व कहा जाए तो कर्तव्य अंतरात्मा की आवाज़ है, परंतु उत्तरदायित्व लॉ रूल और रेगुलेशन मतलब विधि कानून नियम के आधार पर किया जाने वाला कार्य है। उत्तरदायित्व विधि कानून नियम के आधार पर किया जाने वाला कार्य है। दायित्व कई बार सामाजिक नियम व कानून के रूप में प्रस्तुत होता है। यदि इन दायित्वों का पालन अंतरात्मा की आवाज़ से कर्तव्य समझकर किया जाए तो कार्य में समर्पण और प्रभावशीलता की संभावना बढ़ जाएगी। कार्य में समर्पण और प्रभावशीलता की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लिखिएगा, एक अच्छी कार्य संस्कृति के निर्माण में आपको जो लिखाया जा रहा है उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। एक अच्छी कार्य संस्कृति के निर्माण में यदि संगठन में काम करने वाले कार्मिकों के दायित्व को संगठन में काम करने वाले कार्मिकों के दायित्व के पालन को भी कर्तव्य भावना के साथ जोड़ दिया जाए तो एक समर्पित और उत्पादक कार्य संस्कृति का निर्माण होगा। इसलिए कार्मिकों में समानुभूति
की भावना का विकास करना चाहिए। समानुभूति की भावना का विकास करना चाहिए क्योंकि भावनात्मक जागरूकता की स्थिति व्यक्ति को किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्वजागरूकता की स्थिति व्यक्ति को किसी भी समस्या के समाधान के लिए आंतरिक रूप से तैयार करती है। आंतरिक रूप से तैयार करती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सद्गुण वर्च्यू। सद्गुण सद्गुण यानी कि ऐसे नैतिक गुणों का समुच्चय जो हमेशा आपको सही मार्ग पर चलने का अनुदेश देते हैं, वो क्या हैं आपके सद्गुण हैं, ठीक है। तो वर्च्यू में लिखिएगा मूल्यों या गुणों का वह समुच्चय, सद्गुण में लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सद्गुण और उसमें लिखिएगा मूल्यों या गुणों का वह समुच्चय जो व्यक्ति को सदैव सद्मार्ग पर चलने हेतु व्यक्ति को सदैव सद्मार्ग पर चलने हेतु निर्देशित करता है, अरस्तु का मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी को सद्गुण नहीं सिखा सकता, किसी को भी सद्गुण नहीं सिखा सकता। व्यक्ति सद्गुणों को अपने अनुभव से सीखता है, प्रत्येक संस्था, समाज और राष्ट्र के विकास हेतु समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सद्गुणों को स्वयं में धारण कर सामाजिक और संस्थागत दायित्व को बनाए रखने की दिशा में उत्तरोत्तर प्रयास करता है प्रेम, दया, क्षमाशीलता सहनशीलता इत्यादि सद्गुण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नैतिक प्रत्यय आपके कंप्लीट होते हैं।